हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मूवीज वॉक। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम। तो गाइस, काफ़ी अरसे बाद बॉलीवुड में एक ऐसी मूवी आई है जिसको फाइनली हॉल पर रिलीज कर दिया गया है, ना कि जी पिछली बार की तरह जैसे सारी मूवी जितनी भी बॉलीवुड में बन रही थी जो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही थी, लेकिन अब पूरे इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर हॉल ओपन हो चुके हैं। तो फाइनली बेल बॉटम को हॉल पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो गाइस, सभी कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, उससे ये होगा कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो गाइस, आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो गाइस, बात करते हैं बेल बॉटम की। तो आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का नाम कैसा है बेल बॉटम, ताकि ये फिल्म का नाम नहीं है, ये अक्षय कुमार का एक कोड नेम है जो रॉ की तरफ से अक्षय कुमार को दिया जाता है। तो गाइज, ये पूरी मूवी अक्षय कुमार के इर्द गिर्द घूमती है और रियल इंसिडेंट पर बेस है। तो गाइज, बॉलीवुड में मेरी समझ में नहीं आता, जितनी मूवी आजकल आ रही हैं सारी की सारी रियल इंसिडेंट्स बेस पर ही आ रही हैं। पता नहीं क्या डायरेक्टरों ने सोच रखा है कि कोई भी एक कहानी उठाइए रियल इंसिडेंट की इंडिया में जो हुआ है और उस पर मूवी बना दिए। तो आजकल ये बिल्कुल आम हो चुका है और ऐसा लगता है कि सैलाब आ चुका है रियल इंसिडेंट का। जो मूवी देखो वो हर मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है। गाइस, बेल बॉटम की कहानी शुरू होती है 1978 से, जब इंडिया के और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, लेकिन रिश्ते मजबूत होने के साथ साथ कुछ क्राइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्राइम जो हो रहा था वो हो रहा था एयर इंडिया के जितने भी प्लेन जाते थे उनको हाईजैक करने का। तो गाइज, अक्षय कुमार की माँ लंदन जाने का प्रोग्राम बनाती हैं, अक्षय कुमार के बड़े भाई के पास वो जाना चाहती हैं लंदन में, और जिस प्लेन में वो जा रही होती हैं उसी प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। गाइज, जो टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक करते हैं वो इंडिया के साथ एक नेगोशिएशन करते हैं, नेगोशिएशन के बदले में वो सारे पैसेंजर को रिहा कर देते हैं, लेकिन अक्षय कुमार की माँ की उसमें मौत हो जाती है। तो गाइज, यही वजह होती है कि अक्षय कुमार रॉ ज्वाइन कर लेते हैं और हाईजैकर्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तो गाइस, क्या रॉ कामयाब हो पाती है इन हाईजैकर्स को रोकने के लिए या नहीं, तो यही सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी बेल बॉटम। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो गाइस, डायरेक्शन इसका एवरेज है, ठीक ठाक है, क्योंकि इतनी सारी मूवी इन रियल इंसिडेंट्स पे बन चुकी हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही जाती है, तो मैं डायरेक्शन के लिए कहूँगा कि ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक डायरेक्शन किया गया है इस मूवी में। गाइस, अब बात कर लेते हैं सभी कैरेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम निकल के आएगा हमारे अक्षय कुमार का। उन्होंने अपने कैरेक्टर को ठीक ठाक अच्छी तरीके से प्ले किया है, उनके कैरेक्टर को देखते वक्त आपको मज़ा आएगा। अब बात करें अदर कैरेक्टर और अदर कास्ट की, तो अदर कैरेक्टर और कास्ट के लिए इस मूवी में ज़्यादा स्पेस दिया नहीं गया, सबको छोटा छोटा रोल किया है और सभी ने अपने रोल को ठीक ठाक ही निभाया। अब बात कर लेते हैं एक्शन की। तो गाइज, थोड़ा सा मुझे ये मूवी थोड़ा एक्शन में थोड़ी सी लो लगी, यही वजह है कि इस मूवी में इतना ज़्यादा ये मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। ज़्यादा एक्शन इस मूवी में है नहीं, ड्रामेटिकल मूवी ज़्यादा है, किस तरह से पकड़ते हैं क्या प्लान बनाते हैं यही इस मूवी में ज़्यादा है। एक्शन की बात करें तो एक्शन इसमें ज़्यादा है नहीं। गाइस, बात करें गानों की, तो गाने भी कुछ ज़्यादा मुझे इसमें ठीक ठाक लगे नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से एक दो गाने हैं जो ज़्यादा आपको कन्विंस कर नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्रिटिक्स की, कि क्रिटिक्स को ये मूवी कैसी लगी। तो ज़्यादातर मैंने जितने भी क्रिटिक्स का रिव्यू चेक करा तो इस मूवी के लिए एवरेज और ठीक ठाक मूवी सभी ने बताया है। एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देख सकते हैं। अगर IMDb पे आप इसकी रेटिंग चेक करेंगे तो इसकी रेटिंग आपको 6.5 प्लस की मिलेगी, और हो सकता है कि अभी अभी ये रिलीज़ हुई है तो हो सकता है कुछ दिनों में ये और डाउन हो जाए। तो गाइज, अगर मेरी बात करें तो मुझे ये मूवी कैसी लगी, तो गाइज मुझे ये वन टाइम वॉच मूवी लगी, क्योंकि इतनी सारी रियल इंसिडेंट्स में मूवी बन रही है, बायोपिक बन रही है, तो गाइज कहीं ना कोई कमी रह ही जाती है। तो गाइज, अगर आप एक बार मूवी देखना चाहते हैं तो वन टाइम वॉच ये मूवी है, और आप अगर अक्षय कुमार के फ़ैन हैं तो आपके लिए ये मस्ट वॉच है। तो गाइज, मैं इस मूवी को रेटिंग देना चाहूँगा 10 out of 6 star। तो गाइज, अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे ये होगा कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप देख रहे थे स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।